आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं बीएससी फाइनल ईयर कंप्यूटर साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके फर्स्ट पेपर का होने वाला है। अगर आपके सिलेबस में डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम का सिलेबस है तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये वीडियो आपके एनईपी सिलेबस के अकॉर्डिंग भी बनाया जा रहा है। एंड अगर आप लोग यूपी सीजी राजस्थान से भी हैं तो कोई बात नहीं, अगर आपके सिलेबस में डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख ही लीजिए। एंड चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक एक करके पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे पहला यूनिट का यहाँ पास क्वेश्चन, जो कि आपका यहाँ पास होने वाला है, डाटाबेस से क्या तात्पर्य है, इसके उद्देश्य लाभ तथा हानि लिखें। अब आप में बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये पूरे क्वेश्चन तो हिंदी में है, और क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के भी हो, आपको यहाँ पास मैं टिप्स देता हूँ कि आप लोग सिंपली से इसका स्क्रीनशॉट क्लिक करके आप लोग गूगल ट्रांसलेट पे इसका पिक अपलोड करोगे, जो हिंदी है वो पूरा इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा, तो आप लोग इसका यूज कर लीजिए। बाकी आप लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो मुझे पता है कि आप लोग ये सब इजीली कर लोगे। अब उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, डाटाबेस सिस्टम मैनेजमेंट का संक्षेप में वर्णन कीजिए, इसकी आवश्यकता क्या है। एंड उसके बाद फिर आपके आता है तीसरा क्वेश्चन, जो कि है निम्न यानी नीचे जो दिया गया है, डाटा मॉडल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, जैसा कि आता है रिलेशन डाटा मॉडल, नेटवर्क डाटा मॉडल, तो इस तरह आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद फिर आपके आता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ट्रांजेक्शन मॉडल को समझाएं। एंड उसके बाद फिर आपके आता है डाटा डिक्शनरी स्टोरेज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। एंड उसके बाद फिर आपका छठवां क्वेश्चन आता है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, जो कि यहाँ पर नीचे दिया गया है। तो आई नो कि आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रेडी कर लेंगे। एंड यह क्वेश्चन मैं आपको सबसे पहले इसलिए दे रहा हूँ कि अगर आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर या फिर आप लोग सेकेंड ईयर में आप लोग पढ़ के आ चुके हैं तो आपको पता होगा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही हैं। इसलिए यहाँ पर मैं पहले ही आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोग पहले से ही एग्जाम की स्टडी वगैरह स्टार्ट कर देंगे यानी एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे तो आई नो कि आपके मार्क अच्छे यहाँ पास आ सकते हैं। एंड उसके बाद फिर चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित डाटा बेस संरचनाओं की व्याख्या कीजिए, जहाँ आपके आता है क्लाइंट सर्विस सिस्टम, एंड उसके बाद फिर आता है पैरेलल सिस्टम। अब यहाँ पास उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन यहाँ पास है आठवां, पैरेलल डाटाबेस संरचना के निम्न को समझाएं, जो कि यहाँ पर नीचे दिया गया है, जो कि ये हमारा शेयर्ड नर्थिंग सिस्टम, शेयर्ड मेमोरी सिस्टम और शेयर्ड डिस्क सिस्टम। ये काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एंड प्लीज आप लोग इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन मत पढ़िएगा। अगर आप लोग स्टडी कर भी रहे हैं तो आप लोग इनको अच्छे तरीके से रेडी करने के बाद ही अपना आगे क्वेश्चन रेडी करना। एंड उसके बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे अपना सेकेंड यूनिट में, जो कि ये हमारा पहला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ईआर यानी कि एंटिटी रिलेशन डाटा मॉडल के बारे में आप क्या जानते हैं, स्पष्ट कीजिए, निम्न को समझाएं, यानी जो नीचे दिया गया है डीडीएल और एंड डीएमएल, तो आप लोग इनको अच्छे तरीके से देख लीजिए। एंड उसके बाद फिर आपके आता है डाटाबेस के विभिन्न लेवल के बारे में लिखें। एंड उसके बाद फिर आपका आता है निम्नलिखित का अर्थ बताएं, जैसे कि हमारा आता है स्कीमा, सब स्कीमा, इंटेंशंस के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, यानी तीसरा नंबर का, तो आप लोग इनको भी अच्छी तरीके से रेडी कर लेना। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, रिलेशनशिप सेट तथा रिलेशनशिप डिग्री से आप क्या समझते हैं। उसके बाद फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, ईआर यानी कि एंटिटी रिलेशन डायग्राम को संक्षिप्त में समझाएं। फिर आपका आता है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जैसे कि आता है जर्नलाइजेशन। आपके एग्जाम में इनसे तीनों क्वेश्चन भी आ सकते हैं या फिर आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एंड उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं अपने तीसरे यूनिट में, जहां आप लोगों को देखने को मिलेगा पहला, निम्न की से आप क्या समझते हैं। पहला आपका आता है सुपर की, दूसरा आता है कैंडिडेट की, तीसरा आता है प्राइमरी की, चौथा आपका है अल्टरनेटिव की, फिर आपका आता है फ्यूजन की। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट की है, जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। एंड उसके बाद फिर आपका आता है निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए, जैसा कि यहाँ पास है डोमेन और टम्पल पर। एंड इसके बाद आता है एंटिटी इंटीग्रिटी और रिलेशन इंटीग्रिटी के बारे में आपके यहाँ पास बताना है। फिर आपको यहाँ पर रिकवरी प्रोसीजर का वर्णन कीजिए, जिसकी डिस्क से क्रैश के बाद आवश्यकता होती है। एंड उसके बाद फिर आपके आता है चौथा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रिलेशन एलजेब्रा के बेसिक ऑपरेशन के बारे में आपके यहाँ पास उदाहरण देकर समझाना है। एंड उसके बाद फिर आप लोग आगे यहाँ पर देखेंगे, काफ़ी द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एंड उसके बाद फिर आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज्वाइन के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए।
एंड उसके बाद फिर आपका आता है सातवां क्वेश्चन SQL के विभिन्न डाटा टाइप का वर्णन कीजिए। फिर यहाँ पास आपका आता है चौथा यूनिट, चौथा यूनिट में भी आपके कम ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा लेकिन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला आपका है डाटा बेस डिजाइन में क्या महत्व है, उसके बाद फिर आपका आता है सेकेंड फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का वर्णन कीजिए, फिर आपका आता है थ्री नॉर्मल फॉर्म को उचित उदाहरण देकर समझाएं, उसके बाद फिर आपका आता है VC नॉर्मल फॉर्म को उदाहरण देकर समझाएं। ये जितने भी आपको चार क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद फिर आपके आता है पांचवा यूनिट, जहां यहां पर देखने को मिलेगा इंडेक्स से आप क्या समझते हैं संक्षिप्त में लिखिए। उसके बाद फिर आपका तीसरा आता है इंडेक्सिंग से आप क्या समझते हैं तथा यह कितने प्रकार के होते हैं, अथवा में यहां पर क्वेश्चन दिया गया है कि ऑर्डर्ड इंडेक्स तथा प्राइमरी इंडेक्सेस, फिर आपका आता है सेकेंडरी इंडेक्सेस, फिर यहाँ पास आता है मल्टी लेवल इंडेक्सेस। ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो आप लोग इनको देख लीजिए। फिर यहाँ पास आपका आता है चौथा बी ट्री से आप क्या समझते हैं, एंड उसके बाद फिर निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, जहाँ आप लोगों को एक्सेस 10 टेबल के बारे में यहाँ पर जो हैजिंग है उसके बारे में बताना है, एंड उसके बाद फिर आपका आता है डायनेमिक हैजिंग के बारे में, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आता है छठवां जो कि है आपको निम्न पर संक्षिप्त में समझाएं, पहले आता है SQL में इंडेक्स में डेफिनेशन के बारे में, फिर मल्टीपल की एक्सेसिंग के बारे में, फोर नॉर्मल फॉर्म एंड यहाँ पास आप लोग देख लीजिए, एंड उसके बाद फिर आपका आता है फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म के बारे में। आई होप कि आप लोग इस वीडियो से काफी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग कवर कर चुके हैं, एंड जितना हो सकेगा यार मैं यहाँ पास कंप्यूटर साइंस का वीडियो अपलोड करूँगा। प्लस अगर आप लोग इसका क्लास चाहते हैं तो यहाँ पर मैं फाइनल ईयर क्लास स्टार्ट कर दूंगा अगर आप लोग कमेंट करो तो, वरना यहाँ पर मैं फर्स्ट ईयर क्लास जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, प्लीज़ चैनल को लाइक और सपोर्ट करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली मेंबर बन जाइए, जहाँ हम लोग आपको देते हैं फ्री में स्टडी मटेरियल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।